आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने फ़ोन में अलार्म रिंगटोन कैसे सेट करें, अपने फ़ोन में अलार्म का रिंगटोन कैसे लगाएं या फिर कैसे चेंज करें। तो इसके लिए आप अपने फ़ोन में क्लॉक ऐप ओपन करिए, तो आपके फ़ोन में अलार्म लगाने वाला ये क्लॉक ऐप आएगा, तो ये क्लॉक ऐप ओपन करिए या फिर इसके लिए ऊपर से नोटिफिकेशन बार ओपन करिए। लेफ़्ट में अभी ये टाइम आएगा, तो आप ये टाइम पर क्लिक करिए। टाइम पे क्लिक करेंगे तो अब आपके फ़ोन में क्लॉक ऐप ओपन हो गया है। तो यहाँ पे आने के बाद अब नीचे राइट में ये प्लस आइकन आएगा, तो प्लस आइकन पे क्लिक करिए। तो जब आप अलार्म सेट करेंगे उस टाइम आप अपने फ़ोन में अलार्म के लिए रिंगटोन लगा सकते हैं। तो ये जैसे कि एग्जांपल के लिए हमने ये एक अलार्म सेट किया। अलार्म का टाइम सेट होने के बाद यहाँ पे नीचे रिंगटोन एंड वाइब्रेशन आएगा, इस पर क्लिक करिए। अब नीचे आइए, फ़ोन के सारे रिंगटोन आएंगे, तो इनमें से आप जो रिंगटोन सेट करेंगे उस रिंगटोन पे क्लिक करिए। हमने जैसे कि ये वाला अलार्म रिंगटोन सेलेक्ट किया, इस पर क्लिक किया। अब ये अलार्म रिंगटोन सेट हो गया है, अलार्म बजेगा तो ये वाला रिंगटोन का साउंड आएगा। अगर आप अपने फ़ोन का कोई साउंड सेट करेंगे जो आपने डाउनलोड किया है, तो इसके लिए ऑन दिस डिवाइस पे क्लिक करिए, यहाँ पे वो साउंड सेलेक्ट करिए। तो इनमें से अगर कोई साउंड लगाएंगे तो सेलेक्ट करिए, फ़ोन का कोई रिंगटोन सेट करेंगे तो रिंगटोन पे क्लिक करिए और बैक आइए। अब ऊपर राइट में डन पे क्लिक करिए, तो आपका अलार्म रिंगटोन सेट हो गया है। तो जब आप अलार्म लगाएंगे तो अलग आपको ये रिंगटोन लगाना है, तो अलग से इसे सेट करिए हर अलार्म पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।